फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT यानी गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आपका स्वागत है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज सैटरडे है और आज मैं रोजगार समाचार के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों पर ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। और इस वीडियो में सभी डिटेल जानकारी बताऊंगा। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि यह जो रोजगार समाचार है यानी एम्प्लॉयमेंट न्यूज है, 6 मई 2023 से लेकर 12 मई 2023 के बीच में जितनी भी वैकेंसीज हैं, जितनी भी भर्ती हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, सभी वैकेंसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और 6 मई से लेकर 12 मई के बीच में जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होने वाला है, सभी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपकी इच्छा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वैकेंसी की तलाश में है, सरकारी नौकरी की तलाश में है, प्राइवेट नौकरी की तलाश में है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। वीडियो बड़ा होता है तो आगे पीछे बढ़ाकर यानी आगे पीछे करके भी आप देख सकते हैं, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए। तो चलिए हम बात करते हैं आज की यानी आज सैटरडे है और आज रोजगार समाचार में जितनी भी वैकेंसी आई है, सभी वैकेंसी के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखिए, यह आज है 6 तारीख और आज ही यह सैटरडे को आता है रोजगार समाचार, और इसमें मैं सभी डिटेल जानकारी आज बताने वाला हूं। यहां पे आया हूं तो यहां पे जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है दी गई है, बट मैं लेकर चलूंगा आपको नीचे और यहां पे बताऊंगा डिटेल जानकारी। अब हम बात करते हैं कि आप यदि हेल्थ सेंटर में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर में मेडिकल के फील्ड में विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है और आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। यह जो है वैकेंसी मेडिकल के फील्ड में है, इसलिए इसमें हम डिटेल जानकारी नहीं बता पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं, एक एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आया है, जिसमें गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं विभिन्न विषय में, तो एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आ गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यह जो रोजगार समाचार है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से क्लिक करके आप इस रोजगार समाचार को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह रोजगार समाचार PDF में उपलब्ध बहुत कम होता है, लेकिन मैं लिंक जरूर आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप इस लिंक पे क्लिक करके अपनी आवश्यकता के अनुसार रोजगार समाचार को पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो अगली वैकेंसी है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में आया है, और इस वैकेंसी से रिलेटेड मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं, तो इस चैनल पे जैसे ही जाएंगे यानी गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू, न्यूमेरिकल 4 हैं और यू हैं, इस पर आप जाएंगे तो आपको यह वीडियो मिल जाएगा। अगली जो वैकेंसी है इसकी हम बात करें, तो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक कमांडेंट परीक्षा 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है, और जिसमें विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस तरह से अगली हम वैकेंसी की बात करते हैं और इसमें पद की हम बात भी करेंगे, तो राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में नोटिफिकेशन आया है, 15 मार्च 2023 को यह नोटिफिकेशन आया था और आज भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की तिथि है, इसलिए यह रोजगार समाचार में पब्लिश हुआ है। इसमें जो विभिन्न पद हैं साइंटिफिक के लिए हैं, इसके अलावा अली चाइल्डहुड विशेषज्ञ शिक्षा शिक्षक के लिए हैं वैकेंसी हैं, विधि सलाहकार के लिए हैं, विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। अगली हम वैकेंसी की बात करते हैं, तो अगली जो वैकेंसी है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड में सहायक प्रबंधक के विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित किया गया है, तो यदि आप सहायक प्रबंधन यानी असिस्टेंट मैनेजमेंट पद पर कार्य करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगली जो वैकेंसी है उसकी हम बात करें, तो जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, नई दिल्ली से यह नोटिफिकेशन जारी है और इसमें विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए मैं शॉर्ट करके यह नोटिफिकेशन आपको बता रहा हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफलाइन फिल करना है, इसके में जो डिटेल जानकारी दी गई है, इस डिटेल जानकारी के अनुसार अगली जो वैकेंसी है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में भर्ती सूचना के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें मुख्य महाप्रबंधक के लिए कुल 6 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है और कुल 6 पद हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 2 जून 2023 तक हैं और राष्ट्रीय टूल्स रूम्स में भी आवेदन आमंत्रित किया गया है, केंद्रीय टूल्स रूम में भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसमें जो आवेदन है, यांत्रिक के लिए 2 पद हैं और इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। यह जो वैकेंसी आई है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं और आज ही हमारे पास कमेंट आया था कि टेक्नीशियन यानी असिस्टेंट इंजीनियर से संबंधित कोई वैकेंसी है तो बताएं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो है यांत्रिक के लिए यानी 3 पद हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 1 पद हैं और ऊषा उपचार के लिए 1 पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। एज लिमिट अधिकतम 30 साल है और क्वालिफिकेशन आपको खुद देखना है, क्योंकि क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी
हम बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा होगा हो जाएगा क्योंकि 56 पेज का यह नोटिफिकेशन है, यानी इम्प्लॉयमेंट न्यूज है। अब निम्न श्रेणी में लिपिक के लिए कुल 3 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और 6 जून 2023 शाम को 5 बजे तक आप अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए बहुत समय है आपके पास, आराम से आप अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी से रिलेटेड तो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में नोटिफिकेशन आया है और जिसमें विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है टीचिंग और नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों पर, यानी टीचिंग में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डिटेल जानकारी आप वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगली जो वैकेंसी है, केंद्रीय कर एवं सीमा शुल्क विभाग पुणे में आवेदन आमंत्रित किया गया है, यानी यह भर्ती 2022 में आया था लेकिन इसमें शुद्धिकरण के लिए जो है नोटिस जारी की गई है, यानी आपको अवगत कराया गया है। अब हम बात करते हैं अगली वैकेंसी के बारे में, जिसके बारे में डिटेल जानकारी हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड में आवेदन आमंत्रित किया गया है जिसमें विभिन्न पद के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। इसके अलावा मुंबई विश्वविद्यालय परमाणु ऊर्जा विभाग में भी नोटिफिकेशन जारी की गई है और विभिन्न विषय की बात करें तो विज्ञान का स्कूल के लिए योग्यता और अनुभव के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित विज्ञान, जीव विज्ञान संबंधी डिटेल पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं, क्योंकि डिटेल जानकारी मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। भारतीय प्रबंध संस्थान कोलकाता में आवेदन आमंत्रित हैं, अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 12 मई 2023 है, तो इसलिए आप जल्द से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगली जो वैकेंसी है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड जो इसरो में जो वैकेंसी आई थी वो दोनों वैकेंसी से रिलेटेड मैं वीडियो पहले से बना चुका हूं, तो इस चैनल पे जैसे ही आप जाएंगे तो वह वीडियो आपको मिल जाएगा और इसमें विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं या जो पद हैं प्रतिनियुक्ति के आधार पर हैं, लेकिन मैं जो वीडियो बनाया था सरकारी नौकरी के लिए बनाया था, इसलिए आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो इसरो के में वैकेंसी आई है इंजीनियरिंग के फील्ड में, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगली वैकेंसी के बारे में, तो MSME प्रौद्योगिकी केंद्र सितारगंज में आवेदन आमंत्रित हैं और यहाँ पे पद का नाम दिया है, यहाँ पे सैलरी दी गई है, यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है, यहाँ पे पदों की संख्या दिया गया है, जिसमें जो है सीनियर इंजीनियर, इंजीनियर प्रशिक्षक या भंडार अधिकारी, वरिष्ठ टेक्नीशियन के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसमें कैटेगरी वाइज पद दी गई है जिसमें कैटेगरी वाइज आवेदन आमंत्रित हैं। वरिष्ठ इंजीनियर के लिए भी इंजीनियरिंग के फील्ड में कम से कम डिग्री होना आवश्यक है, इस तरह से इंजीनियरिंग के लिए भी ऐसी डिटेल जानकारी दी गई है। दूसरे जो वैकेंसी है बीज विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली में आया है, जिसमें इंटरव्यू के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है और इंटरव्यू जो है 16 मई 2023 को होने वाला है। इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए आपको वेबसाइट पर जाना है क्योंकि इसमें डिटेल जानकारी नहीं दी गई है। अब हम बात करते हैं अगली वैकेंसी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी विभाग में आवेदन आमंत्रित हैं। तो सबसे पहले हम पद की बात करें तो मोटर ड्राइवर कम मैकेनिक के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और इसके अलावा यहाँ पे निर्देशक जो हैं, निर्देशक का नाम दिया गया है और यहाँ पे बहुत सारे दिया गया है, यानी ऑल इंडिया लेवल पे आवेदन आमंत्रित किया गया है और कुल 21 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे आवेदन आमंत्रित हैं और सैलरी की बात करें तो 19,900 से लेकर 63,200 रुपये और साथ में अन्य भत्ते भी हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 31 मई 2023 तक हैं और इसमें जो पद हैं विभिन्न जो निर्देशालय हैं उसमें आवेदन आमंत्रित किया गया है ऑल इंडिया लेवल पे जो भी निर्देशालय हैं। अगली जो वैकेंसी है इसकी हम बात करते हैं तो श्री चित्रा तिरुनाल आरो विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिवेंद्रम केरल में आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा हम अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की बात करें तो ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 11 मई 2023 तक हैं और इसमें जो अध्यापक यानी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन में भी पशु चिकित्सा निरीक्षक के लिए कुल 11 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, हैदराबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के लिए जो पद हैं 21 पद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 33 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 22 पद, इस तरह से कुल 76 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है हैदराबाद में। तो इस पद के बारे में डिटेल जानकारी इतना ही दिया है, डिटेल जानकारी आपको वेबसाइट पर विजिट करना है। अगली जो पद है इसकी हम बात करते हैं कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है, तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा आयुर्वेदी विज्ञान अनुसंधान परिषद के लिए भी नोटिफिकेशन जारी की गई है। यह जो नोटिफिकेशन है फेलोशिप के लिए है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संग्रहालय कोलकाता में किन किन पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, तो क्यूरेटर आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कंजर्वेशन, फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, कुल 4 पद हैं। पब्लिकेशन ऑफिसर के 1 पद हैं, डिप्टी क्यूरेटर के लिए 1 पद हैं, हेड
तो सॉरी हेड मॉड्यूलर के लिए एक पद है और लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के एक पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है और इसे रिलेटेड मैं वीडियो बनाकर पहले ही अपने चैनल पर अपलोड किया हूँ। जब आपकी इच्छा हो तो चैनल पर जाकर संपूर्ण डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, जो पर्टिकुलर वीडियो बनाई जाती है उसमें संपूर्ण जानकारी इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। अगली जो वैकेंसी है इसकी हम बात करते हैं, तो अगली जो वैकेंसी है भारतीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता में आया है और यह एक बड़ी वैकेंसी के बारे में मैं सूचना देने वाला हूं, जिसमें प्रोफेसर के लिए कुल 6 पद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक पद है, एक पद लाइब्रेरियन के लिए, अनुभाग विभाग अधिकारी के लिए एक पद है, अनुभाग अधिकारी के लिए एक पद है, कनिष्ठ सचिवालय सहायक के 2 पद और टेक्नीशियन के 2 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। यह जो वैकेंसी आई हैं कोलकाता में आई हैं, और भी इसके बारे में हम बात करें तो यह जो भर्ती हैं एक भर्ती हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 31 मई 2023 तक हैं और फिजिकल कॉपी में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, यानी 9 जून 2023 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचना चाहिए। अगली जो वैकेंसी है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जम्मू के लिए हैं और इसमें अधीक्षक अभियंता के लिए एक पद हैं, इसके अलावा अधिकारी अभियंता सिविल के लिए भी एक पद हैं, अधिकारी अभियंता विद्युत में हैं। इस तरह से एक एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, नॉर्मल क्वालिफिकेशन वही है जो आप किए हैं। अगली जो वैकेंसी की बात करें तो देखिए मछली विभाग जो है, पशुपालन एंड डेयरी विभाग जो है, इसमें आवेदन आया है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको इसके पहले वाले भी विज्ञापन आया था उसमें भी मैं आपको बताया था, इसलिए इसको मैं शॉर्ट कर देता हूं। अब हम बात करते हैं अगली वैकेंसी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में जो वैकेंसी आई है इसमें वरिष्ठ परामर्शदाता के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और यह जो वैकेंसी है संविदा के आधार पर आई है, इसलिए इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि संविदा के आधार पर जो डिटेल जानकारी है नीचे आपको मिलेगी विभिन्न पदों के बारे में। अब हम बात करते हैं अगली वैकेंसी के बारे में, तो संविदा के आधार पर अनुपालन अधिकारी के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिसमें एक पद हैं, आय सीमा 45 से लेकर 55 तक है, ऑनलाइन आवेदन 17 मई 2023 तक आपको करना है। यह जो वैकेंसी आई है संविदा के आधार पर मुख्य समूह अनुपालन अधिकारी के द्वारा, यह यानी केनरा बैंक में यह नोटिफिकेशन जारी की गई है संविदा के आधार पर। अब हम बात करते हैं अगली वैकेंसी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो वैकेंसी आई है, तो इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 29 मई 2023 है, यानी 29 मई 2023 है और इसमें जो वैकेंसी हैं उप प्रबंधक के लिए हैं और विषय की बात करें तो मानव संसाधन, वित्त एवं लेखा, संविदा एवं सामग्री, इसके अलावा विधि है और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक यानी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए हैं। इसके अलावा समूह ए में उप प्रबंधक के लिए भी विभिन्न पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह एक बड़ी वैकेंसी है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि इसमें वर्तमान रिक्तियां निःशस्त्र जन के लिए और बैकलॉग के लिए भी पोस्ट जारी की गई है, तो इस तरह से यह एक बड़ी वैकेंसी है। अगली जो वैकेंसी है एयरपोर्ट इकोनॉमिक्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में है, जिसमें निर्देशक के लिए आवेदन आमंत्रित है, यानी निर्देशक का है। इसके अलावा ओवर सचिव नीति सांख्यिकी के लिए हैं, ओवर सचिव सूचना यानी आईटी के लिए हैं, बैच अधिकारी विधि के लिए हैं, प्रधान निजी सचिव तकनीकी प्रबंधन सूचना एंड टेक्नोलॉजी हैं, सहायक असिस्टेंट के लिए हिंदी ट्रांसलेटर के लिए हैं यानी कनिष्ठ जूनियर ट्रांसलेशन के लिए हैं और अवगत अधिकारी सह टेलीफोन ऑपरेटर के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। और यह जो आवेदन है सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। इन विभिन्न पदों पर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम बात करते हैं अगली वैकेंसी के बारे में, तो देखिए राष्ट्रीय सैनिक स्कूल हिमाचल प्रदेश में विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें पीजीटी, टीजी, टीपीआरटी, टीचर, लाइब्रेरियन सहित विभिन्न पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। लेकिन इसमें जो पद दी गई है सहायक मास्टर संस्कृत के लिए हैं, सहायक मास्टर के लिए हैं और सहायक मास्टर अंग्रेजी और इतिहास के लिए दी गई है। लेकिन आप वेबसाइट पर जाएंगे तो और भी डिटेल जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। पश्चिम मध्य रेलवे में रेलवे प्रकोष्ठ विभाग मध्य रेलवे के द्वारा यानी रेल के द्वारा नोटिफिकेशन जारी की गई है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 मई 2023 रात्रि को 12 बजे तक है, जिसमें हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल के लिए कुल 10 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा भारत सरकार रक्षा मंत्रालय संयुक्त सचिव एवं मध्य प्रदेश सहायक कार्यालय में भी विभिन्न पदों पर नोटिफिकेशन जारी की गई है प्रतिनियुक्ति के आधार पर। तो यह सब डिटेल जानकारी आप देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं भर्ती की सूचना जो आई है कोलकाता से, यानी MSMI टूल्स रूम कोलकाता में भर्ती की सूचना जारी की गई है, जिसमें विभिन्न पद पर भर्ती आई है। इसके अलावा एक प्रवेश सूचना आई है 17/23/24 के लिए, जिसमें इंडो रिक्स प्रशिक्षण केंद्र में आया है और इसमें विभिन्न एडमिशन के लिए हैं इंजीनियरिंग फील्ड में। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप ले सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। अब हम बात करते हैं अगली वैकेंसी के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो देखिए इसके लिए जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है इससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाकर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया हूँ। इसके साथ में मैं केवल बता देता हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 16 मई 2023 शाम को 5:30 बजे तक है। इसके अलावा इंजीनियर्स
इंडिया लिमिटेड में भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। क्वालिफिकेशन में फर्स्ट डिवीजन, न्यूनतम आपके यूजी पीजी डिग्री होनी चाहिए और इसमें जो पद हैं एग्जीक्यूटिव के लिए हैं, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। कुल पद की बात करें तो 16 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव ग्रेड फर्स्ट जनरल में 3 पद हैं, एग्जीक्यूटिव सेकेंड में 1 पद हैं। सैलरी भी अच्छी दी गई है इस पद के लिए, तो यह सब डिटेल जानकारी है। इसके अलावा हम और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी दिव्यांगजन के लिए हैं, इससे रिलेटेड वीडियो चैनल पर पड़ा है जिसमें एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई थी और इस वैकेंसी की सभी डिटेल जानकारी चैनल पर पड़ी हुई है जिसमें जाकर आप डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन में है जिसमें वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी L10 के लिए 3 पद हैं और सहायक सुरक्षा अधिकारी ग्रेड सेकेंड के लिए 2 पद, यानी 5 पद हैं जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर हैं। अगली हम बात करते हैं केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्री एंड प्रौद्योगिकी संस्थान CPET में आवेदन आमंत्रित हैं। इसमें जो पद हैं बहुत कम हैं, कुल हमें लग रहा है संभावित 10 पद हैं जिसमें सहायक तकनीकी अधिकारी, कौशल विकास, प्रसंस्करण, परीक्षण, डिजाइन, टूल्स रूम और CADNCAM के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। जो आपको सैलरी है 7CPC के अनुसार सैलरी मिलने वाला है। इसके अलावा जो है सहायक अधिकारी वितरण लेखा के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और तकनीकी सहायक ग्रेड थर्ड के लिए कुल 20 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। गैर पर्यवेक्षी गैर तकनीकी ग्रुप सी की हम बात करें तो प्रशासनिक सहायक श्रेणी के लिए 3 पद हैं और लेखा सहायक श्रेणी के लिए 4 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और सैलरी भी अच्छी मिलने वाली है, बट इसमें क्वालिफिकेशन कम दी गई है, जो अनुभव कम दिया गया है। तो अनुभव क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी के लिए आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर विजिट करना है जिसके बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं तो CPET है या जो आपको मिल जाएगा, CPET जैसे ही सर्च करेंगे तो इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अगली वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पर देखिए एक विज्ञापन जारी किया गया है जो दादर और नगर हवेली दमन एंड दीप के लिए है। इससे रिलेटेड मैं वीडियो नहीं बनाया था बट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि जो है 15 मई 2023 तक है, तो इससे डिटेल जानकारी के लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना है। अब हम बात करते हैं जो अगली वैकेंसी है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। असम विश्वविद्यालय सिलचर में नोटिफिकेशन जारी की गई है जिसमें इंजीनियरिंग के फील्ड में विभिन्न पद हैं जिसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसमें कुल पद की हम बात करें तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, लगभग देखा जाए तो इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और जिसमें आवेदन आमंत्रित किया गया है। यह एक बहुत बड़ी वैकेंसी है आपके लिए। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस के बारे में, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना है और डिटेल जानकारी आपको वहीं से प्राप्त करना है। अब हम बात करते हैं जो इससे रिलेटेड जो बड़ी वैकेंसी है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान न्यू दिल्ली में, तो देखिए इससे रिलेटेड एक बार मैं बहुत बड़ी वैकेंसी आई थी जिसमें 10,000 से ज़्यादा पदों पर आवेदन आमंत्रित था ऑल इंडिया में, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाया था। अब यह जो नोटिफिकेशन आया है जिसमें आपका सिलेक्शन केवल इंटरव्यू के बेसिस पर होने वाला है और इसमें पद की बात करें तो वरिष्ठ बायोकेमिस्ट के लिए हैं, वरिष्ठ केमिस्ट, वरिष्ठ टेक्नीशियन संपादक, बायोकेमिस्ट केमिस्ट के लिए हैं, केमिस्ट न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए हैं, बाल वैज्ञानिक, इस तरह से विभिन्न मेडिकल साइंस के फील्ड में यह आवेदन आमंत्रित हैं। और यह एक सबसे बड़ी वैकेंसी है जिसमें स्टोर कीपर से लेकर सांख्यिकी सहायक यानी टेक्नीशियन तक, मेडिकल टेक्नीशियन अधिकारी तक, लाइफ गार्ड, लाइब्रेरियन थर्ड के लिए भी आवेदन आमंत्रित है, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक हैं, तो विभिन्न पद हैं जिसके बारे में आवेदन आमंत्रित हैं। इसके बारे में शेष जो जानकारी है पेज नंबर 25 पे दी गई है, तो देखिए इससे रिलेटेड मैं पहले भी एक वीडियो बनाया हूँ, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बट यह वीडियो जो है केवल इंटरव्यू के बेस पे होने वाला है। अगली हम वैकेंसी की बात करें तो देखिए पृष्ठ नंबर 24 का शेष भाग इसमें दिया है जिसमें विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, लाइब्रेरियन सहित विभिन्न पद हैं। और यह जो पद हैं इसका सिलेक्शन जो हम बात करें तो CBT टेस्ट के यानी रिटन टेस्ट के आधार पर और कंप्यूटर टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। अब हम बात करते हैं अगली जो वैकेंसी है इसके बारे में, यह भी वैकेंसी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद से रिलेटेड। तो देखिए इस वीडियो से रिलेटेड यानी यह जो वैकेंसी है इससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर दिया हूं और सभी डिटेल जानकारी है उस वीडियो में, लगभग 12 मिनट से ज़्यादा का वीडियो है जिसमें सभी डिटेल जानकारी दी गई है, तो आप डायरेक्ट चैनल पर जाकर इसमें डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी वो वीडियो देखकर आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो अगली वैकेंसी है ब्रेथवेल्ट एंड कंपनी लिमिटेड में आया है और इसमें जो वैकेंसी है जिसमें असिस्टेंट मैनेजर के लिए हैं, मैनेजर के लिए हैं, सिक्योरिटी अधिकारी ग्रेड के लिए हैं, इसके अलावा सिस्टम इंजीनियर ग्रेड हैं, पर्यवेक्षक या निरीक्षक के लिए हैं, पर्यवेक्षक डिजाइन हैं, पर्यवेक्षक रख रखाव के लिए हैं, इसके अलावा संरक्षा सहायक स्टाफ ग्रेड ए के लिए हैं, परियोजना सहायक स्टाफ ग्रेड ए हैं, तो इस तरह से विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। इस पद से रिलेटेड क्वालिफिकेशन भी दिया है लेकिन यह 56 पेज का एडवर्टाइजमेंट है इसलिए इसके बारे में यानी क्वालिफिकेशन और एज लिमिट मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बाकी आप कमेंट करेंगे तो उसे पार्टिकुलर वीडियो में बनाकर आप पास तक प्रोवाइड कर दूंगा।
अब हम बात करते हैं वित्त मंत्रालय रक्षा विभाग में भी जो हैं आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर कोर्ट मास्टर के लिए और सहायक के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। यह जो वैकेंसी हैं सरकारी नौकरी के लिए हैं और इनमें विभिन्न पदों पर आप नौकरी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम बात करते हैं जो भर्ती है कीटनाशक शुद्धिकरण प्रौद्योगिकी संस्थान गुरुग्राम हरियाणा में आया है, जिसमें प्रवेश या ऑनलाइन साक्षात्कार के लिए या भर्ती के लिए अप्रैल 2023 करके नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो यह तो डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो डिटेल जानकारी दी गई है जो वैकेंसी जो मैं बताया था उसके बारे में जो शेष भाग है जानकारी दी गई है, तो इससे अच्छा है कि आप चैनल पे जाकर डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक DRDO में जो वैकेंसी आई है उस वैकेंसी के बारे में। तो देखिए DRDO के थ्रू तो टाइम टाइम पे वैकेंसी आती रहती है और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। तो इससे रिलेटेड डिटेल जानकारी यानी रेडियोग्राफी का है, प्रमाण चिकित्सा अधिकारी की पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो यह तो डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय जो है दो परीक्षण प्रयोगशाला यानी NDTAL में विभिन्न पदों की आवेदन की हम सूचना देते हैं। इसके बाद हम इसमें विभिन्न पद की बात करें तो वित्त अधिकारी के कुल एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और शेष जानकारी है जो है इसी में नीचे दी गई है, पेज नंबर 30 में दिया गया है शेष जानकारी यानी और भी पद हैं इसमें। तो हम तो यही आपसे कहेंगे कि साफ आप डायरेक्ट www.ntdindia.com पे जाकर और इस वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल जानकारी आप प्राप्त करें, क्योंकि वहाँ से आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान में पुणे में आवेदन आमंत्रित हैं, जो पद का नाम है सेक्शन ऑफिसर के कुल चार पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। अगली जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स के लिए हैं और इसमें डिटेल जानकारी नहीं दी गई है। डिटेल जानकारी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पद है और डिटेल जानकारी आपको वेबसाइट पर जाकर प्राप्त करना है। नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस अकेडमी में यानी पुलिस उत्तर पूर्वी पुलिस अकेडमी में विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है और विभिन्न पद की बात करें तो यह जो सैलरी है और सिलेक्शन की बात करें तो इंटरव्यू के आधार पर है और इंटरव्यू डेट भी दिया है जिसमें 17 मई से इंटरव्यू चालू है। इसमें वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सहायक निर्देशक प्रबंधक उप सहायक निर्देशक फोरेंसिक साइंस इसके अलावा कैंटीन मैनेजर ग्रेड सेकेंड हलवाई लिपिक के लिए भी हैं जिसमें अंग्रेजी के चार हिंदी के एक पद हैं। आशुलिपिक के लिए हैं अधीक्षक कार्यालय तैराकी प्रशिक्षक लाइफ गार्ड आउटडोर ट्रेनर के लिए विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। इस तरह से यह एक बहुत बड़ी वैकेंसी है और इसमें पदों की संख्या दी गई है लेकिन इंटरव्यू 17, 18 और 19 मई 2023 को 10 बजे होने वाला है। तो यदि आप इंटरव्यू में अपीयर होना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम बात करते हैं एक सरकारी नौकरी के बारे में और यह जो नौकरी है IIT जम्मू में आया है यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू में आया है और इसमें विभिन्न पद की हम बात करें तो देखिए रजिस्ट्रार का जो पद है प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती के आधार पर है। इसके अलावा वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी सहायक रजिस्ट्रार तकनीकी अधिकारी सहायक इंजीनियर कनिष्ठ अनुभाग अधिकारी प्रयोगशाला अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी प्रशासन में और यह सभी भर्ती हैं सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। तो इस तरह से यह एक बहुत IIT जम्मू के लिए यह बहुत बड़ी वैकेंसी है और हो सकता है कि इससे रिलेटेड मैं डिटेल जानकारी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड किया हूं जो डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र में जो कीट विज्ञानी के तीन पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है और दिल्ली में तैनाती की जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान में रिक्त पदों के बारे में सूचना जारी की गई है। यह एक सीधी भर्ती है जिसमें प्रशासनिक अधिकारी अनुभाग अधिकारी के प्रतिनियुक्ति के आधार पर चयन होने वाला है और विभिन्न पद हैं। अब हम बात करें सबसे बड़ी वैकेंसी एक और है जो कंपनी से रिलेटेड है तो एड्रू यूल एंड कंपनी लिमिटेड है और इसमें जो वैकेंसी जारी की गई है विभिन्न पद की हम बात करें तो AGM IT ग्रेड E5 प्रबंधक IT ग्रेड E4 के लिए कुल 3 वर्ष का इसके में अवधि के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और कोलकाता में आपको नियुक्त मिलने वाला है इस पद से रिलेटेड। तो इस तरह से सहायक अधिकारी ग्रेड 3 के लिए हैं, सहायक अभियंता यानी सिविल के लिए हैं, असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी हैं यानी सहायक महाप्रबंधक के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। इस तरह से विभिन्न पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और सैलरी भी बहुत अच्छी दी गई है। अगला जो पद है ICAR में है जिसमें विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यह डिटेल जानकारी आपको दिखाई दे रहा है कि विभिन्न पद हैं। अब हम बात करते हैं जो सबसे बड़ी वैकेंसी है वो एक वैकेंसी है ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर में आया है और जिसमें विभिन्न वैकेंसी के बारे में यहाँ पर सूचना दी गई है और दूसरा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के लिए यहाँ पे मिलिट्री के फील्ड में पुलिस बल के फील्ड में विभिन्न पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और यह कुल 136 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो इस तरह से विभिन्न वैकेंसी हैं। अगली हम बात करें तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में हैं जिसमें सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी के लिए ग्रुप क में आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा सहायक सलाहकार
कम्युनिकेशन के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। इस तरह से आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब हम आते हैं और नीचे और देखते हैं और डिटेल जानकारी। तो भारतीय फार्माकोपिया आयोग में जो फार्माकोपिया संपादक के एक हैं और प्रूफ रीडर के दो पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। इस तरह से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओकियन टेक्नोलॉजी यानी राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान में जो वैकेंसी आई है इसकी हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पद हैं। तो वैज्ञानिक ए, वैज्ञानिक ई, वैज्ञानिक डी, वैज्ञानिक सी के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है और पद भी अच्छी है। वैज्ञानिक ए के दो पद हैं, वैज्ञानिक ई के चार पद हैं, वैज्ञानिक डी के नौ पद हैं और वैज्ञानिक सी के 10 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। डिटेल जानकारी के लिए आपको वेबसाइट पर जाना है और विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो यह सभी डिटेल जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं अगली जो वैकेंसी है, इंडिया पोर्टल ग्लोबल लिमिटेड में जो वैकेंसी आई थी उसके लिए रद्दीकरण के लिए सूचना जारी की गई है। तो इसमें आप डिटेल जानकारी देख सकते हैं। इस तरह से अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि विभिन्न विज्ञापन के बारे में। तो फ्रेंड, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वीकली रोजगार समाचार से रिलेटेड डिटेल जानकारी मिलती रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे डिटेल जानकारी, जिस पे आप क्लिक करके खुद रोजगार समाचार आप पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर में जो विभिन्न वैकेंसी आई हैं। तो ये मेडिकल साइंस के फील्ड में आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो इससे रिलेटेड डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। इन मेडिकल साइंस के फील्ड में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और इसमें क्वालिफिकेशन भी दी गई है। तो इसलिए सब डिटेल जानकारी आपको सेल्फ देखना है। अब हम बात करते हैं अगली वैकेंसी के बारे में। तो केंद्रीय सहकारिता सोसाइटी पंजीयन का कार्यालय में आवेदन रिक्त पदों के बारे में सूचना जारी की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 10 मई है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि वेबसाइट पर जाना है, डिटेल जानकारी प्राप्त करना है। न्यायिक विज्ञान सेवा निर्देशालय में विभिन्न पदों के लिए परिपत्र जारी की गई है। इसके अलावा जो हम बात करें हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड में जो पद हैं, तो इसमें कनिष्ठ अभियंता सहायक सेकेंड, सहायक वन, कनिष्ठ अभियंता सहायक सेकेंड, कनिष्ठ अभियंता सहायक फर्स्ट और अनुशासन की बात करें तो अमोनिया यूरिया ऑफसाइट उपयोगिता यूरिया उत्पादन संचालन में यानी इंजीनियरिंग के फील्ड में, विद्युतीय में, यंत्रीकरण में विभिन्न पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। और यह भर्ती की बात करें तो यह एक बड़ी भर्ती है, इसमें बहुत सारे पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 12 मई 2023 है। अब हम बात करते हैं अगली जो वैकेंसी के बारे में, जिसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। तो राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान नरेला दिल्ली में आवेदन आमंत्रित किया गया है। यह जो वैकेंसी है सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें प्रोफेसर के विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं, प्रोफेसर टू के लिए भी विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं, एसोसिएट प्रोफेसर वन के लिए विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं, एसोसिएट प्रोफेसर टू के लिए विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वन में विभिन्न पद हैं। इस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर सेकेंड में भी विभिन्न पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। और इस तरह से अलग हम बात करें इसके अलावा, तो देखिए यहाँ पे जो हम आते हैं तो पृष्ठ नंबर 42 का जो शेष पद है, 42 ऊपर का वैकेंसी है, इसके बारे में डिटेल जानकारी दिया है। तो इससे रिलेटेड तो आप वेबसाइट पर भी जाकर ले सकते हैं, या डिटेल जानकारी आपको रोजगार समाचार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब हम बात करते हैं अगली वैकेंसी के बारे में। तो राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान में जो वैकेंसी आई है न्यू दिल्ली में, इसमें समान ड्यूटी सहायक के लिए हैं, एमटीएस बुक के लिए यानी एमटीएस बुक लिफ्टर कोलकाता में आवेदन आमंत्रित हैं, एमटीएस सफाईकर्मी